नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास कार्यक्रम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे टीबी जैसे गंभीर रोग के बारे में। इस विषय पर हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव भनोट सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये टीबी की बीमारी आखिर होती क्या है। देखिए, टीबी की बीमारी हमारे देश में बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये वो बीमारी है जो फेफड़े को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। फेफड़े की टीबी सबसे ज़्यादा कॉमन है। यही वो टीबी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती है। जैसे कोई भी आदमी खांसता है या छींकता है तो किसी एक आदमी से वो दूसरे आदमी तक जा सकती है। और टीबी की जो बीमारी है उसके लक्षण जो होते हैं, किसी आदमी को भी अगर बुखार, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा की और उसकी भूख मर जाना, उसका वज़न कम हो जाना, बलगम में खून आ जाना और चेस्ट एक्सरे अगर किसी का करवाएं और उसमें हमें दाग दिखता है, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस आदमी को टीबी हो सकती है। तो फिर आगे हम उसकी जांच करवाते हैं, बलगम की जांच, जिससे हमें पता चलता है कि कन्फर्म टीबी है या नहीं है। तो ये टीबी हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ही, और सरकार का प्रोग्राम भी चल रहा है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, जिससे हम सारे देश का बर्डन पता करते हैं, किन किन लोगों को क्या दवाइयाँ मिलनी चाहिए, कैसे टेस्ट होने चाहिए, ये सारा सरकार का प्रोग्राम चल रहा है। सर, ये तो आपने जो बताया, इसके अलावा टीबी क्या केवल फेफड़ों की टीबी होती है या शरीर में किसी भी अंग में टीबी हो सकती है? देखिए, किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। कोई ऐसा बॉडी का अंग नहीं है जो टीबी से बचा है आज तक, पर मोस्ट कॉमनली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फेफड़े की टीबी से होता है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। बाकी जितनी भी साइट्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में वो गांठों की टीबी हो सकती है, हड्डियों की टीबी हो सकती है, आपकी आँख की टीबी हो सकती है, दिमाग की टीबी हो सकती है, आपके पेट की टीबी हो सकती है। तो कोई ऐसा अंग नहीं है बॉडी का जो टीबी से बचा है। हर आजकल भारत सरकार ने कहा है, जहाँ की भी टीबी होती है तो उसको कन्फर्म करने के लिए हमें सैंपल चाहिए होता है। अगर सैंपल में टीबी का बैक्टीरिया या दिख जाता है तो वो कन्फर्म्ड केस हो जाता है टीबी का। तो चाहे वो बलगम का सैंपल हो, चाहे वो CSF का सैंपल हो, चाहे वो जहाँ की टीबी है वहाँ का सैंपल लेना हर किसी को कोशिश करनी चाहिए और उसी हिसाब से उसका आगे इलाज करना चाहिए। सर, ये जो जितनी भी टीबी हैं और फेफड़े की, आपको एज ए डॉक्टर क्या लगता है कि इनके कारण क्या हैं जो टीबी के मरीज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, बढ़ते तो इसलिए हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। जैसे किसी भी सांस की बीमारी का होता है, अगर आपको टीबी है तो जो घर परिवार वाले रोग हैं या जब जो टीबी का मरीज़ अगर कम्युनिटी में जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करता है, तो अगर वो खांसी और छींकता है तो वो बहुत लोगों को ऐसे इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये टीबी इतनी तेज़ी से फैल सकती है और लोगों को भी। तो इसलिए कुछ एहतियात बरतने होते हैं। जिसको टीबी होता है वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे उन्हें प्रिवेंशन करनी चाहिए, बट फैलने का कारण ही यही है क्योंकि ये सांस की है। तो सांस के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं कि छींके खांसी करेंगे तो 1 से 2 मीटर के अंदर अगर कोई आदमी है तो वो उसको भी हो सकती है। तो इसीलिए ये टीबी बीमारी अभी तक हमारे देश से जा नहीं पा रखी, पर भारत सरकार पूरे कदम उठा रही है जिससे हम पोलियो की तरह भारत को भी टीबी मुक्त देश बना सकें। सर, इसका जो टीबी का इलाज है उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, इलाज में टीबी के दवाइयाँ ही चलती हैं। मान ली टीबी भी बहुत टाइप की टीबी होती, बहुत प्रकार की होती। एक तो मतलब जिसे हम नॉर्मल टीबी कहते हैं, उसमें जो गोलियां होती हैं वो पहले दी जाती हैं, जांच में अगर पॉजिटिव आता तो। अगर फेफड़े की टीबी है तो 6 से 9 महीने का इलाज भारत सरकार करती है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इलाज कर सकते हैं। तो आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि कम से कम 50-60% लोग हिंदुस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल से ही टीबी का इलाज कराते हैं। तो इसलिए इसमें सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में टीबी का इलाज होता है। तो ये इलाज जो होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो के होता है या फिर घर से भी चलता रहता है? नहीं नहीं, ये इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब टीबी होती है तो अस्पताल में एडमिट करना होता है, या जो ख़राब वाली टीबी जिसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, जिसमें इंजेक्शन लगते हैं,
तो उसके लिए अगर मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तभी उसे भर्ती करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, वरना ये तो ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट चलता है कि मरीज़ आता है, अपनी दवाई लिखवाते हैं और फॉलो अप में रहते हैं कि अगर वो दवाई ठीक कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो कितना ठीक हो रहे हैं। हर महीने दो महीने पे कुछ टेस्ट करवाते हैं, लिवर की जांचें, खून की जांचें, जिनसे हमें पता चलता है कि टीवी का ट्रीटमेंट मरीज़ को फ़ायदा कर रहा है, फॉलोअप एक्सरे। तो फेफड़े की टीवी की बात ही कर रहा हूँ मैं अभी, कि जिसमें ऐसे ऐसे हम फॉलोअप करते हैं, इसमें ओपीडी से इलाज होता है, इसमें हर टीवी के मरीज़ को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। सर क्या ये जेनेटिक होती है, लाइक अगर फैमिली के किसी मेंबर को है तो क्या ये टीवी आगे जो पीढ़ियां हैं उनको होने की संभावना है? देखिए ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये इन्फेक्टिव बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है जिसकी, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जिनको ये होती है वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बूढ़े लोग जिनको और बीमारियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और किडनी लिवर की बीमारियां हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, या वो लोग जिनको एचआईवी एड्स है उनमें ज़्यादा कॉमन है, या वो लोग जो अपनी दूसरी बीमारियों के लिए स्टेरॉयड थेरेपी या इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी जिनमें इम्यून सिस्टम को दबाया जाता है उन दवाइयों पे हैं, या वो लोग जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है किसी मेजर ऑर्गन का, तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इन लोगों से छोटे बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया ना, सांस से फैलने की बीमारी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। अगर आज किसी को घर में, परिवार में किसी को टीबी होता है तो शुरुआती टाइम में जब तक दवाइयां नहीं चल रही हैं अगर उन्हें, तो वो टीबी का बैक्टीरिया किसी को भी घर में, परिवार में किसी और को भी फैल सकता है। सर इसके लिए सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए? देखिए सावधानियां, एक तो सबसे पहले जल्दी ही डायग्नोसिस बनानी चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि आपको टीबी है तो सबसे पहले आपका रूम वेल वेंटिलेट होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, आपको सबके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए कुछ टाइम तक, जब तक दवाई अपनी असर दिखा रही है, जब तक वो बैक्टीरिया को मारती है तब तक आपके वेल वेंटिलेट रूम में आपको मास्क पहन के रहना चाहिए, आपको किसी के मुंह पे डायरेक्ट खांसी नहीं करनी चाहिए, जिसको हम कफ एटिकेट्स कहते हैं। आजकल आप कोरोना वायरस के में भी बहुत सुन रहे होंगे कफ एटिकेट्स की, सेम कफ एटिकेट्स आपको टीबी में भी अपनानी होती है, मास्क पहन के, खांसी, हाथ धोने की, हैंड हाइजीन की, हाथ धोते रहें अपने, और आइसोलेटेड रूम में रहें, छोटे बच्चों से दूर रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा ना घूमें, अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस को, तो ताकि और लोगों को ना फैल जाए इससे। तो ये कुछ ऐसे एहतियात बरतने होते हैं। अपना खाना पीना सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखें, क्योंकि टीबी भूख को मार देती है, और आपका जैसे ही आप अपना भूख मर जाती है तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए टीबी में आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, जिससे आपका वज़न हर महीने 1 से 1.5 किलो बढ़ता रहे। तो ये सारी हमारी प्रिवेंशन और जो ट्रीटमेंट जो बाकी लोगों को ना फैले, ये स्ट्रैटेजीज होती है। क्या टीबी उस हद तक जा सकती है कि व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाए, ऐसा उस हद तक हो सकती है क्या? इतनी खतरनाक बीमारी है ये? देखिए ये उन्हीं केसेस में होता है जिसमें टीबी का इलाज बहुत लंबे समय तक ना मिला हो, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, जिसमें एक तो लंबा इलाज चलना है आदमी का। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब क्या? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ये होता है वो टीबी जो हम नॉर्मल टीबी की दो दवाइयाँ देते हैं, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड, जो दो ये ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं टीबी के बैक्टीरिया को मारती हैं, अगर टीबी का बैक्टीरिया इन दोनों दवाइयों से नहीं मरता उसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी घोषित करते हैं। फिर उसके लिए हमें और इंजेक्शन और अलग तरीके से दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, और टीबी का जो इलाज का ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जाता है। तो इसलिए वो ये उन्हीं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती हैं ऐसी जो ज़्यादातर मरीजों को मतलब ख़राब करती हैं, और लंबा इलाज करने के चक्कर में उनका वज़न और कम होता रहता है, और वो उसे दवाइयों को भी नहीं झेल पाते, बीमारी तो बढ़ी रही होती है, तो वो ऐसी कंडीशन होती है। दूसरा, अगर नॉर्मल टीबी में उसके ऊपर से कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, अगर वो इस चीज़ को वर्सन कर देता है तो हो। अगर टीबी की, नॉर्मल टीबी का मरीज अगर दवाइयों से रिस्पॉन्ड कर जाता है तो ये बीमारी 6 से 9 महीने में अपने आप ठीक हो जाती है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। औसत क्या होगा सर, जो नॉर्मल टीबी और ड्रग वाली जो टीबी बताई इसका औसत, मतलब आपके अकॉर्डिंग? हाँ, औसत जो नॉर्मल टीबी होती है वो ज़्यादा होती है, ड्रग रेजिस्टेंट वाली टीबी स्पेसिफिक केसेस में ही होती है, जिसको मान लीजिए एक बार ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उससे दूसरे लोगों को ना हो जाए, जिनकी इम्यूनिटी, जैसे मैंने जो आपको श्रेणी के लोग बताए थे अभी, उनमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको पहली बार टीबी हो रही है तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के होने के चांसेस कम हैं, नॉर्मल टीबी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो सबसे ज़्यादा अभी भी नॉर्मल टीबी ही चलती है, ड्रग रेजिस्टेंट उतनी नहीं है। पर जो आप खतरनाक वाली बात करें जिसमें लाइफ का खतरा होता है, वो ड्रग रेजिस्टेंट में ज़्यादा होता है, नॉर्मल में नहीं। सर, भारत सरकार की तरफ से इस विषय मतलब टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं कुछ आप देखिए, जो RNTCP प्रोग्राम है बहुत सालों से चल रहा है और अब इसमें और तेज़ी से जोर डाल दिया गया है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी नई दवाइयाँ बहुत सारी आ गई हैं, बेडिकुलिन, जो भारत सरकार अपनी ही उसमें हॉस्पिटल्स में अपने सामने देती है, जिससे टीबी का ट्रीटमेंट और तेज़ी से अच्छा हो चुका है और कम छोटा हो गया ड्यूरेशन। तो इसलिए भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठा रखे हैं। एक्टिवली ट्रेस करना केसेस को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई केस है तो उनके सारे घर परिवार वालों की जांचें भी करना कि उनको कहीं टीबी तो नहीं है। तो जब तक कोई भी बीमारी अगर होती है उनके एक्टिवली हम केस फाइंड नहीं करते तो वो हमें नहीं पता चलता कि कितने केस हैं कम्युनिटी में। तो भारत सरकार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है इस पे और कोशिश हमारी यही है कि हम इस टीबी को इस देश से एंड कर देंगे। तो उसी पे सारा सरकार काम कर रही है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव भनोट, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार टीबी जैसी गंभीर बीमारी को ख़त्म करने का काफ़ी प्रयास कर रही है और अगर ये बीमारी हो गई है तो कैसे इस बीमारी से निपटा जा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।